मल्टीपल बर्थ्स फर्स्ट था कॉन्टेंट्स यूनिपेरस एनिमल्स मल्टीपैरस एनिमल्स मोनोजाइगोटिक टिविन एंड डाइजाइगोटिक टिविन सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वे क्लियर अबाउट था लेट वे क्लियर अबाउट मल्टीपल बर्थ्स मल्टीपल बर्थ्स जो हैं बर्थ मीन यंग वन का जो वोड्यू पैदा होना या उसका जो वो बाहर आना मदर की बॉडी से बाहर आने का प्रोसेस जो इसको है इसको बर्थ कहते हैं सो मल्टीपल बर्थ मीन अगर एक मदर एक से ज़्यादा यंग वन को बर्थ दे कर रही है तो हम कहेंगे इट इज़ द मल्टीपल बर्थ बर्थ के इस अगर हम देखें सम ऑफ द एनिमल्स दे गिव ओनली बर्थ टू वन इंडिविजुअल एंड सम ऑफ द एनिमल्स दे गिव मोर देन वन बर्थ कुछ ऐसे हैं जो एक बर्थ देते हैं एक यंग वन को बर्थ देते हैं जबकि कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा यंग वन को बर्थ देते हैं सो यूनिपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच प्रोड्यूस ओनली वन इंडिविजुअल यूनिपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो वन ऑफ स्प्रिंग वन यंग वन या फिर हम कह सकते हैं कि एक न्यू बॉर्न को पैदा करते हैं दे आर द यूनिपेरिस एनिमल्स यूनिपेरिस एनिमल्स के सबसे जो फेमस बहुत सारे एनिमल्स यूनिपेरस हैं ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास जो हैं दे आर द ह्यूमन ह्यूमन में एट अ टाइम वन बेबी पैदा होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर सिमिलरली मैनी ऑफ द कैटल्स बहुत सारे कैटल के अंदर काउस बर्फलोज सिमिलरली हॉर्सेस एंड लाइक अदर जैबरा सो दीज एनिमल्स दे नॉर्म बेबी आर वन यंगज एनिमलिमल मल्टीपेरस एनिमल्स मीन्स दो एनिमल्स गिव बर्थ टू मोर देन वन यंग गिव बर्थ टू मोर देन वन बेबी तो ऐसे एनिमल्स जो एक से ज्यादा बेबीज को एक एट अ टाइम बर्थ देते हैं या पैदा करते हैं उनको क्या कहेंगे दे आर एक्चुअली द मल्टीपेरस एनिमल्स सो मल्टीपेरस एनिमल्स जो है दे मे प्रोड्यूस टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन इंडिविजुअल जो है उसको बर्थ दे सकते हैं एट सेम टाइम मल्टीपेरस एनिमल्स के एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हैं दे आर कैट्स, रैट्स माइस डोग ये हमारे पसंद एक एग्जाम्पल्स हैं जो ज़्यादातर हैं मल्टीपैरस है वो एट ए टाइम ज़्यादा यंग वनस को बर्थ करते हैं सो मल्टी एनिमल्स नॉर्मल द ऑफ स्प्रिंग द आर दल्टी पैरस एनिमल्स दे मे बी मेल्स एंड फीमेल्स नॉर्मली क्या होता है कुछ मेल्स होते हैं कुछ क्या होते हैं फीमेल्स होते हैं बट एक्सेप्शनल केसेज आर देयर एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास आर्मी डेलो है आर्मी डेलो इट प्रोड्यूस फोर यंग वन एट सेम टाइम बट ऑल ऑफ दैम विल बी इधर मेल्स आर इधर फीमेल तो आर्मी डेलो क्या करेगा एट ए टाइम इसमें जो फीमेल है फोर यंग वन को पैदा करती है और वो चारों के चारों या तो मेल होते हैं या फिर क्या होंगे फीमेल हो गए लेकिन ये रूल नहीं है ज्यादातर के अंदर क्या होगा कि मेल और फीमेल जा वो मिक्स होते हैं कुछ मेल कुछ फीमेल जा वो प्रोड्यूस होते हैं सो so, अब हमारे पास जो मल्टी पैरस एनिमल्स हैं मल्टी एनिमल्स का मतलब यह है कि वो मोर देन वन बर्थ एट सेम टाइम्स हो रही हैं अब मोर देन वन बर्थ में दो पैटर्न हमें मिलते हैं सम टाइम्स कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक ही जाएगोड से आगे पैदा होते हैं एक जाइगोट बनता है जाइगोड से जैसे एम्ब्रियो बनेगा वो डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो दो सी में डिवाइड हो जाता है देयर आर टू यंग वंस लेकिन वो जाइगोट शुरू में क्या था एक था तो ऐसे इंडिविजुअल दोज इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल जाइगोट दे आर कॉल्ड द मोनोजाइगोटिक आमतौर पर दीज दी जाए टवें दो पैदा होते हैं दो से ज़्यादा पैदा नहीं होते हैं सो so, इस केस में हमारे पास इस टर्म को हम क्या स्पेशली कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है वाई वी आर सेंग आइडेंटिकल ट्वेंट्स क्योंकि एक जयगोर्ड से पैदा होने वाले जो यंग वर्नस होंगे दे विल बी स्ट्राइकिंगली सिमिलर उनमें स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज होंगी और दे विल बी आप सेम सेक्स सेम सेक्स के होंगे वो या तो दोनों ब्रदर्स होंगे या फिर दोनों क्या होंगे सिस्टर्स होंगे अच्छा ये जो प्रोसेस है एक जाइगोड से दो इंडिविजुअल का पैदा होना जो है ये एक्चुअली ये है कि जैसे ही जाइगोड मदर के अंदर अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर उसने डिवाइड करना शुरू किया है अभी एमब्र बना ही है अभी टू या फोर सेल स्टेज है तो क्या हुआ कि सेल दो हिस्सों तो में डिवाइड हो गए एक्सीडेंटली होता है नॉर्मली ऐसा नहीं होता है तो ड्यू टू सम रीज़न जो एम्ब्रियो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और अब ये दोनों पार्ट क्या करेंगे दो नए यंग वंस को पैदा करेंगे अब चूंकि जाइगोट एक था दो एम्ब्रियो बन गए हैं डिवाइड होने से तो इस वजह से इनके तमाम जेनेटिक मेकअप सेम होगा जेनेटिक मेकअ्स सेम होने की वजह से उनके अंदर सिमिलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी मोनोजाइगोटिकाइगोटिक ट्विन्स जो हैं इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मली थर्टी थ्री परसेंट ऐसे हैं जिनके प्लेसेंटा अलग अलग बनते हैं जबकि अक्सरीत जहाँ दे आर हैविंग सेम पलेसेंटा एक ही प्लेसेंटा से क्या कर सकते हैं वो दोनों जगह फूड ले रहे होते हैं जबकि इसी तरह से जो एमियोटिक सेक एमिक सेक कहते हैं वो गलाफ वो एक मेम्ब्रेन जिसके अंदर यंग वन जहाँ वो मौजूद होता है एम्योटिक सेक्स ज़्यादातर केसेज में अलग अलग होते हैं मोनोजाइटोटिक टविन में हार टविन का अपना एम्योटिक सेक होता है सम केसेस में क्या हो सकता है कि एम्योटिक सैक जो है वो कंबाइन हो सकता है अगर एम्योटिक सैक कंबाइन है तो इसका मतलब अंदर दोनों यंग वर्न आपस में बिल्कुल करीब करीब हैं अब इस केस में थोड़ी सूर्त हाल खतरनाक हो सकती है वाई बिकॉज अगर ये दोनों बिल्कुल सेम जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि इनका कोई बॉडी पार्ट आपस में कॉमन रह जाए या उनके बॉडी पार्ट आपस में क्या होंगे कि फ्यूज हुए हों आपने अक्सर देखा कि जब टी वी वगैरह पर भी आप देखते हैं नॉर्मल देखते हैं कि बेबीज की बर्थ हुई है उनके या सार जुड़े हुए हैं या कोई बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जुड़े होते हैं उसकी रीज़न ये है कि वो दोनों एक्चुअली मोनोजाइगोटिक टिवेंट्स होते हैं और बर्थ के दौरान क्या होता है कि वो सेपरेट होने के बजाय एक ही जगह जो है वो एक ही एमनियोटिक एक्ट में उनकी डिवेलपमेंट हो जाती है अब ये जो है कंडीशन जो इस खास जो क्रिटिकल सिचुएशन है इसी कार हम देख सकते हैं कि मोनोजाइगोटिक टवेंट्स जो है वो इसमें इनिशियली एक एम्ब्रियो है डिवाइड हो गया है दो पार्ट्स में अब इसके डिवाइड होने से क्या होगा कि अल्टीमेटली दो यंग वन जो हो पैदा होंगे सेम यही केस है कि इधर भी एक एम्ब्रियो डिवाइड होकर दो इसमें डिवाइड हो गया है अच्छा चिप, जो पिक्चर ए हमारे पास है इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों यंग वंस के अलग अलग प्लेसेंटा सेंटर हैं जबकि पिक्चर बी के अंदर हम देख सकते हैं कि एक ही प्लेसेंटा के साथ दोनों यंग वंश अटैच हैं तो मोनोजाइगोटिक टिवेंट्स अलग अलग प्लेसेंटा से भी अटैच हो सकते हैं या ये भी हो सकता है कि दोनों का सेम प्लेसेंटा हो डाइजाइडोकोटिक टविनस जो हैं दे आर डिफरेंट फ्राम मोनोजाइगोटिक टविनस इन डाइजाइगोटिक टविन टू एग्स आर फर्टिलइज एट सेम टाइम डाइजाइडोटिक टविन में ये होता है कि मदर के अंदर एट ए टाइम दो एग बन जाते हैं अब दोनों एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है जिसकी वजह से दो एम्ब्रियो जो है मदर की बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं अब चूँकि इनका जाइगोट अलग तो है एम्बरी अलग है लहजा आपस में सिमिलर नहीं होंगे इसी तरह से जब इनके अंदर सिमिलरिटी नहीं होगी तो इसके बाकी जो करेक्टर्स जो हैं बहुत स्ट्राइकिंगली आपस में ना जेनेटिक मेकअप मिलता होगा उतना ही होगा जितना आम ब्रदर सिस्टर्स का मिलता है आइडेंटिकल ट्विन्स वाला सीन यहाँ नहीं होगा अब जो डायजागोटिक ट्विन्स हैं दे मे बी ऑफ डिफरेंट सेक्स दे मे बी ऑफ सेम सेक्स वो यानी कि ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं ब्रदर्स भी हो सकते हैं सिस्टर्स भी हो सकते हैं इसमें कोई कंपल्शन नहीं है और उनके अपने अपने एमियोटिक सेक होंगे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं दो अलग अलग एग्स मदर के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं हर एग ने अपना अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप करवाया है अब एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं ये भी हो सकता है कि दोनों जो एम्बरी हैं वो अपना अपना प्लेसेंटा डेवलप करें और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों एम्बरी एक ही प्लेसेंटा से जो होते हैं वो फील ले रहे होते हैं इसमें ये दोनों जो आती हैं वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लेकिन नॉर्मली सेपरेट प्लेसेंटा होंगे और इसके बाद जो है वो ये सेपरेट यहाँ जो खास बात यह है कि डाइजागोटिक ट्विन्स में दो एग्स प्रोड्यूस होने और उनसे के दो अलग अलग एम्ब्रियो ही प्रोड्यूस होने आगे